गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साडा अज का टॉपिक है क्रिटिजम ऑफ हाब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हाब्स का जो सिद्धांत है उस गल का समर्थन करता है कि लोग ही राज की शक्ति का सोमा होंगे ने। लोगों ने अपने सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज की स्थापना की सी। पर कई विचारक इस आलोचना करते हैं, इसका विरोध करते हैं, जिमें इसका फस्ट पॉइंट है समझौते लिए दो धिर का होना जरूरी। हाब्स का समझौता है जो केवल एक ही धिर है, क्योंकि इस समझौते के द्वारा स्थापित किया गया शासकीय समझौते भी शामिल नहीं होता। यह समझौता शासक के अधिकारों ते शक्तियों का वर्णन करता है, पर लोगों के प्रति उसकी जो भी ड्यूटीज होंगे ने उन्हां दी कोई भी व्याख्या नहीं करता। इस तरह हाब्स का यह समझौता है जो एक पक्षी होंगे। इस तो बिना एक कानूनी धारणा है कि जेकर कोई एक धिर समझौते दीयां शर्तां नूं पूरा नहीं करती ता की हुंदा है समझौता है जो खत्म हो जाता है। पर हाब्स का यह समझौता इस धारणा दे लागू नहीं हुंदा, वो इसका विरोधी है। असल दे विच समझौते दे लई दो धिरां दा होना जरूरी हुंदा है, ता ही उस दे विच सही फैसला लिया जा सकता है। नैक्सट है मनुखी सुभाव संबंधी गलत विचार। हाब्स के अनुसार हाब्स ने की मन्ने कि जो व्यक्ति है वह स्वार्थी या निर्दयी है। हाब्स के ये विचार मनुख के सुभाव के संबंधी गलत पेशकारी करते हैं, क्योंकि मनुखी सुभाविक तौर पर समाजिक जीव है, उसके अंदर प्रेम हमदर्दी ते सहनशीलता की भावना भी होंगी है। पर हाब्स ने किया उसका विरोध किया है। समाज तो बिना जिउंदे रहना अते विकास करना व्यक्ति दे लई संभव नहीं होंदा। वह इकला नहीं रह सकता, पर की मानता है हाब्स कि व्यक्ति समाज के विच इकला रहना चाहता है, वह अपने लोड़ां की पूर्ति दे लई। इस तरह मनुखी सुभाव के विरुद्ध उसका विचार है जो बिल्कुल गलत है। नैक्सट है व्यक्ति समाज तो पहला नहीं हो सकता। मनुख समाज के विच ही अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, तो समाज के विच ही उसका अंत हो जाता है। इसलिए हाब्स का यह विचार भी सही नहीं कि व्यक्ति समाज तो पहला इकला रहिंदा सी। व्यक्ति अपनी लोड़ां की पूर्ति अपने सुरक्षा के लिए समझौते राही समाज का निर्माण किया है। पर असल दे विच गल सही है कि मनुखता के आरंभ नाल ही समाज का आरंभ होया सी। राज तो बिना अधिकारां दी होंद संभव नहीं। हाब्स का यह विचार भी सही नहीं कि प्रकृतिक अवस्था के लोगों अधिकार तो प्राप्त होंगे ने, पर उस समय कोई कानून सरकार या राज नहीं सी। राज तो बिना अधिकारां दी होंद संभव नहीं हो सकती, पर असल दे विच यह धारणा जो उचित नहीं होंगी। उन्होंने व्यक्ति की कुदरती शक्ति नूं भी कुदरती अधिकारां दे समान ही मन्या सी। जेकर उस समय कोई समाज नहीं सी तां अधिकारां दी होण दी संभावना भी कल्पना नहीं की जा सकती। इस तों भाव की है राज शुरू तो ही है, तां ही लोकां दे अधिकार ने जो सीमित किए गए ने। व्यक्तिगत स्वतंत्रता लई खतरनाक है। हाब्स दी विचारधारा की मनदी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता लई कोई स्थान नहीं हुंदा। हाब्स यह मनदा है कि व्यक्ति नूं उसकी इच्छा की स्वतंत्रता देण दा भी कोई अधिकार नहीं, जो कि उस नूं कुदरती तौर पर परमात्मा के वलों दिती गई है। इस करके ही लोकतंत्री संस्थावां स्थापित होने नाल इस सिद्धांत है जो अंत होना शुरू हो गया। वर्तमान लोकतंत्री युग के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी इस सिद्धांत को कोई भी महत्ता नहीं दिती जा सकती। इस तरह यह सिद्धांत है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध विच सी। नैक्सट है राज अते सरकार दे विच अंतर। हाब्स ने राज अते सरकार दे विच कोई भेद नहीं किया। उन्होंने दो वक् वक् संस्थावां ने जद के दोहां दे संगठन दे उद्देशां दे विच उन्हां दे कम्मां दे विच काफ़ी ज़्यादा फर्क हुंदा है। सरकार है जो एक राज दा ही एक पार्ट है। राज दी इच्छा दे अनुसार ही कम करना अते उन्हां नूं लागू करना की है सरकार दा कम हुंदा है। पर उस दा सरकार दा नहीं बल्कि राज दा एक लक्षण मन्निया जांदा है। सरकारां दे बदलण दे नाल राज दा अंत नहीं हो जाता, पर हाब्स ने इन्हां दोनों के बीच कोई अंतर ना करके अपने सिद्धांत को बधेरे स्पष्ट बना दिता। इस तरह इसका भी विरोध किया गया है। नैक्सट है यह सिद्धांत अण इतिहासक है। मनुखी इतिहास हाब्स के इस सिद्धांत की है जो पक्षता नहीं करता कि मनुख इस गल की गवाही भी नहीं दिता कि इतिहास के किसी भी समय इको जी प्रकृतिक अवस्था है जो होने के बीच सी। अते इस अवस्था नूं खत्म करन दे लई व्यक्ति ने कोई समझौता किया सी। इस तरह मनुख इतिहास दे किसी विशेष काल दे विच राज दी उत्पत्ति हुई होवेगी। अते इह कल्पना है जिस दी पुष्टि ना तां इतिहास दे योग है ते ना ही व्यक्ति दी बुद्धि है जो इस नूं स्वीकार कर सकदी है। राजनीतिक प्रभुसत्ता दा कोई वर्णन नहीं।
कोई भी व्यक्ति जो राज करता हुंदा है वो लोकां दी शक्ति तो पूर्ण रूप दे विच संतर नहीं हुंदा। कानूनी रूप दे विच भावें सारियां शक्तियां ने जो राज करन वाले व्यक्ति दे कोल हुंदियां ने, पर वो इन्हां शक्तियां दी वरतों है जो जनता दी इच्छा दे अनुसार ही करदा है। जेकर कानूनी प्रभु जनता दे हितां लई शासन नहीं करदा तां की हुंदा है, लोक उस नूं बदलन दी शक्ति है ते अधिकार ने जो रखते हैं। पर हावज का विचार है कि शासक नूं हटाउण दा भाव मुड़ प्रकृतिक अवस्था दे विच आ जाना हुंदा है। इस तरह की है उसका विरोध करता है। इस तरह असीं मानते हैं कि इसका वो सिद्धांत भी है जो अलग अलग विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। थैंक यू।